बीते दिन अपनी मांगों को लेकर कुछ किसान जथेबंदियों की तरफ से पंजाब के अलग अलग शहरों में धरने लगाए गए थे और रोड को जाम किया गया था। उसी कड़ी में मोगा कोटकपुरा रोड पर गांव गिल के पास भी किसानों द्वारा धरना लगाया गया था, जिसमें आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसको देखते हुए डिप्टी कमिश्नर के आदेशों पर जिला मोगा के थाना बागा पुराना में 100 से अधिक किसानों पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त जानकारी थाना बागा पुराना के SHO JS रंधावा ने दी। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा रोड पर धरना लगा इसे जाम किया गया था। इसी कारण इन किसानों पर अलग अलग धाराओं के तहत FIR नंबर 23 दर्ज की गई है। इनमें 16-17 किसानों के बाय नेम और कुछ अननोन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनकी गिरफ्तारी भी जल्दी कर ली जाएगी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, FIR ਨੰਬਰ 23 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 188 DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, 431 427 IPC ਅਤੇ 8B ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, 16-17 ਬੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ, 100 ਬੰਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਓਗੇ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਸ ਹੁਣ ਰੇਡ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ TV, ਮੋਗਾ।